बताएंगे कि अभी मैं हूँ कार में, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा काम से, आई मीन रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, तो मेरे को याद आया मेरे को ब्लॉग भी बनाना है, तो कार से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है वो भी घूमते टाइम, तो मैं सोचा चलो क्यों ना ब्लॉग की यहीं से स्टार्ट किया। अभी टाइम हो रहा है कितना, 4:30 के ऊपर हो रहे होंगे, 4:30 के ऊपर, एंड अभी हम लोग निकले हैं कहाँ पर, शिवपुरी को, बामोर से शिवपुरी को, एंड थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ा काम है और भी बहुत बहुत कुछ काम है, यहाँ से आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखिए आगे हम क्या करते हैं। वैसे ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, पहला ब्लॉग जो मैं फर्स्ट मेरा ब्लॉग था जो मैं डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके उसे भी देखिए। मैंने उसके उस ब्लॉग में अपने बारे में सब कुछ बताया, जो जो मतलब मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ, मेरी स्टडी, एजुकेशन, मतलब हर एक चीज़ बताई मैंने, कहाँ से क्या करता। एक बात और बतानी थी कि मैं जो ब्लॉग सीरीज बना रहा हूँ ना, उसका ऐसा रूटीन होगा कि जो मैं आज कर रहा हूँ ना, मतलब जो मैं आज कर रहा हूँ वो वीडियो कल आएगी, एंड वो इसलिए क्योंकि हमारे पास एक दिन का बैकअप हो सकता है, बिकॉज अगर किसी दिन हम लोग ना कुछ नई मतलब कहीं नहीं गए या ब्लॉग किसी कारण से बना नहीं पाए, तो वो सब हम बैकअप में डाल सकते हैं। रोड पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मजे, बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है गाड़ी चलाते टाइम, इसलिए मैं कैमरे की साइड नहीं देखता हूँ, बिकॉज कैमरे के चक्कर में कुछ ऐसा ना होया जो हम सोचे ना, भगवान वैसे तो भगवान है ही अपने साथ, आप लोगों का प्यार भी है। चलो चेक करिए आगे व्यू डालते रहेंगे आप लोगों के लिए। जो मैं आज डेली रूटीन दे रहा है वो कल अपलोड होगा यूट्यूब चैनल पे, और हाँ जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ मैं रोज वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और अभी आप देख सकते हैं चेक करिए आगे से एक गाड़ी आ रही है, मैं इसलिए कैमरे की सेट ही देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना गाड़ियों को बहुत ध्यान देना पड़ रहा है, बिकॉज वो भाई मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया, सो सॉरी गाइस, 1 मिनट खड़ी करके सीट बेल्ट लगा दे पहले, चलो चलते हैं भाई पेट्रोल डलवा के निकलते हैं। और आगे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि यहाँ पे भैंस मतलब मवेशियों का बहुत ज़्यादा ही है हमारे एरिया में मवेशी, और वैसे मैं आपको बता दूँ हम लोग अभी पिछोर पहुँचने वाले हैं, पिछोर यहाँ से मतलब एमपी शिवपुरी के करीब पड़ता है, पिछोर एक सिटी है छोटा सा, वहाँ पे मतलब हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर के अराउंड होगा, ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, आप उनकी कुछ लेते हैं क्योंकि मैंने भी घर से कुछ निकाला, सिर्फ एक सेब खा के आया हूँ, और मैंने सोचा तो कुछ वहीं पर लेंगे कुछ खाएंगे अच्छा कुछ, तो चलो सीधे वहीं जाके मिलते हैं क्योंकि अभी रास्ते पर ध्यान देना है। ये जो मेन गेट दिख रहा है आगे चल के ना, वो कॉलेज का रास्ता है, हर चीज राज है, सब है जो है वो समा है, तुम्हें रास्ता ही तो रब है, पे शिवजी महाराज की मूर्ति, और अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं बस स्टैंड, यहाँ पे बस स्टैंड है पिछोर, अब चाहे जिंदगी, यहाँ से हम लोग कुछ खाने के लिए लेते हैं और कुछ बच्चों के लिए भी लेते हैं वहाँ पे, और फिर चलते हैं निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, मिलते हैं थोड़े टाइम बाद आपसे।
छिपाए। और ये कुछ खाने को लाए हम लोग, और ये रख देते हैं मिठाई जो कि बच्चों के लिए हो जाएगी, और एक केले भी है, और केले हम लोग कहीं आगे चल के खाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से निकलते हैं बिकॉज ये मार्केट है। गाड़ी भी हम लोगों ने थोड़ी लगा रखी है। सीट लगा लूँ फिर से, मैं याद दिला मेरे को सीट बेल्ट, मुझे पता नहीं क्या है। मैं अभी चलते हैं। अभी हमको अराउंड 100 किलोमीटर करीब चलना है। 100 के आसपास ही होगा, आई मीन 80 के करीब तो पक्का ही है, बिकॉज मैं 3-4 बार गया हूँ। सिरसौ चौरा 600 से फिर हमको जाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, अमौला घाटी। वहाँ से भी फिर कितना अराउंड 15-20 किलोमीटर है जहाँ हम लोग जा रहे हैं। वहाँ से 15-20 किलोमीटर और बहुत जमीन जंगल एरिया है। हम लोग आ गए सिरसौ। यहाँ गाड़ी लगाते हैं और पानी की बोतल लेते हैं बाइक मेरे, फिर आगे चल के कुछ खाते हैं। और बहुत भूख लगी है। मैंने पानी की बोतल और चिप्स लिए कुछ वहाँ पे आगे। अच्छी सी जगह देख रहा हूँ रुकने के लिए जहाँ पर मैं रुक सकूँ और कुछ खा सकूँ। वहाँ पर कहीं कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहाँ पर मैं गाड़ी रोकूँ, थोड़ी बहुत खड़ा हूँ, जंगली जंगल में जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आगे एक अच्छी जगह है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, वहाँ पर हम लोग मैं वहाँ से जगह दिखता रहा हूँ, मुझे बस अभी तक जगह नहीं मिली। क्या बोल सकते हैं, लग रहा है हम लोग पहुँचने वाले हैं जहाँ पर हमको जाना, वहाँ से थोड़े आगे वहाँ से साइड में मैं तो कुछ नहीं वाले। तो अभी हम लोगों ने चिप्स और कुछ केले खा लिए, पानी भी पी लिया। अब आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं बिकॉज रात के टाइम ड्राइव करते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और ऐसे ही आप सब लोग प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग, एंड कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।